हे यू ऑल, वेलकम बैक टू माय वीडियो। सो आज आपने टाइटल और थंबनेल से देख लिया होगा, आज मैं करने वाली हूँ अपने इंस्टाग्राम के बारे में काफ़ी सारी बातें। और मैं काफ़ी टाइम से चाह रही थी ये वीडियो मैं बनाऊँ, मतलब पहले मैंने बीच में सोचा था बनाने के लिए, फिर मुझे लगा था कि रहने देती हूँ, फिर मैंने मेरे को अभी एकदम से ऐसे माइंड में आया कि नहीं मुझे बनानी चाहिए। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था कि शायद मुझे बताना चाहिए सब कुछ, जो सब कुछ मेरे साथ हो रहा है। तो यस, मतलब काफ़ी सारे लोग मुझे कमेंट्स करते हैं और जो मेरे फॉलोवर्स हैं उनको भी पता है ये चीज़, वो भी मुझे कमेंट्स करते हैं कि दीदी आपके फॉलोवर्स क्यों नहीं बढ़ रहे, 1.2 मिलियन हैं कब से। और उसके बाद मतलब मेरे फॉलोअर्स बढ़ ही नहीं रहे, 1.2 मिलियन पर आकर अटक गए हैं काफ़ी सारे लोग। मतलब काफ़ी 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 सारे लोग यूट्यूब में भी कमेंट्स कर रहे हैं वीडियोज़ पर कि आपके फॉलोअर्स क्यों नहीं बढ़ रहे। तो मैं बताना चाहती हूँ, बहुत से लोगों को पता होगा और बहुत से लोगों को नहीं पता कि थोड़े टाइम पहले मेरा अकाउंट हैक हुआ था, जिसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज़, मतलब नहीं मुझे पता कि किसने किया, कैसे कैसे हुआ नहीं पता मुझे, बट थोड़े टाइम पहले मतलब अप्रैल में मेरा अकाउंट हैक हुआ था, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम मुझे हो रही है। अच्छे बढ़ रहे थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था, मेरा इंस्टाग्राम एकदम बढ़िया चल रहा था, रीच वीच मतलब मेरी वीडियोज भी वायरल हो रही थी और काफ़ी अच्छा चल रहा था मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट और मेरे फॉलोअर्स भी बढ़ रहे थे डेली की, मेरे को 2000 या 1500 फॉलोइंग आ रही थी डेली। बट अचानक से हुआ कि मेरे अकाउंट बंद हो गया और मुझे पता ही नहीं था। मुझे मतलब ऐसे कि मैं पैकिंग कर रही थी, मैं कहीं ट्रिप पे जा रही थी और मेरे को चंडीगढ़ जाना था, हाँ मैं चंडीगढ़ जा रही थी, तो मैं उसकी पैकिंग में लगी हुई थी। तो मैंने अपना इंस्टाग्राम सुबह खोला था, उसके बाद मैंने इंस्टाग्राम नहीं चलाया था पूरा दिन। तो मेरे को फ़ोन आता है मेरी फ्रेंड का, अनु आपकी आईडी नहीं दिख रही। फिर मैंने कहा आईडी नहीं दिख रही, और मैं पैकिंग कर रही थी रात में। फिर मैं एकदम से इंस्टाग्राम खोला कि आईडी नहीं दिख रही, मैंने कहा अभी रुको मैं देखती हूँ। फिर जैसे ही मैं इंस्टाग्राम पे गई और मेरे वहाँ पे मतलब कुछ भी नहीं था, पूरा ऐसे ब्लैंक पेज आ रहा था, मतलब मेरा इंस्टाग्राम नहीं आ रहा था वहाँ पे। तो मैं देख के ऐसे हो गई कि ये क्या हो गया एकदम से। फिर उसके बाद मैं डायरेक्ट सीधा रोने लग गई, फिर मम्मी पापा और सब मुझे चुप कराने लगे कि पहले तो चुप हो जा, बात कर कि ये हुआ क्या, ये क्या प्रॉब्लम हुई है। तो फिर मैंने फ़ोन मतलब लगाया इधर उधर के, ऐसे ऐसे हो गया, मेरे फ्रेंड्स लोग को बताया, जो मेरे एकदम खास है फ्रेंड सर्कल के, उन लोग को बताया कि मेरे अकाउंट नहीं खुल रहा और ऐसे ऐसे आ रहा है ये वो। तो उन लोगों ने बोला रुक हम भी देखते हैं। तो सब ने देखा तो नहीं, किसी के भी फ़ोन में शो नहीं हो रहा था। और थोड़े टाइम तक मेरी प्रोफाइल पिक शो हुई, उसके बाद मेरी प्रोफाइल पिक भी नहीं शो हो रही थी, और मेरे फॉलोअर्स फिर प्रोफाइल पिक के बाद थोड़ी देर बाद ही मेरी फॉलोइंग भी शो नहीं हो रही थी। फिर उसके बाद सब ने बोला कि कुछ नहीं आ रहा, फिर थोड़ी देर बाद ही मतलब 1-1.5 घंटे बाद ऐसे आने लगा कि यूज़र नॉट फाउंड, ऐसे आने लगा। और मैं ऐसे घबरा गई, मुझे नहीं पता वो कितने टाइम हुई थी, क्योंकि मैंने सुबह से इंस्टाग्राम चलाया था, मतलब मैंने मॉर्निंग इंस्टाग्राम देखा था और शाम को उसका कॉल आने के बाद ही मैंने इंस्टाग्राम इसे खोला, तो वो सब ब्लैंक पेज आ गया था। बहुत ऐसे रोने लगी कि पता नहीं क्या ही हो गया और ये वो, और मैं बहुत ज़्यादा एकदम से डिप्रेस्ड हो गई कि अब क्या करूँगी मैं ये वो। तो फिर मैंने शिल्पा देवर को कॉल किया कि दीदी ऐसे ऐसे मेरे अकाउंट में दिक्कत हो गई ये वो, और मैं बहुत मतलब बहुत रो रही थी, मेरे को ऐसे कंट्रोल ही नहीं हो रहा था, मतलब मैं रोई जा रही थी। तो फिर दीदी ने बोला तो टेंशन मतलब टेंशन, और मुझे नेक्स्ट डे ही चंडीगढ़ मतलब जाना था, तो मेरी चंडीगढ़ की नेक्स्ट डे की फ़्लाइट थी। तो फिर उसके बाद मैं ऐसे हुई कि चलो ठीक है आ जाएगा, सब ने दीदी ने मुझे बोला तो टेंशन मतलब आ जाएगा। फिर उन्होंने रिपोर्ट वगैरह जो भी था वो डाली, और रिपोर्ट वगैरह डालने के बाद भैया ने बोला था कि आपके पास मेल आ जाएगा और तो हो जाएगी, आप टेंशन मत लो, 24 आवर्स के बाद हो जाएगा सब ठीक। तो मैंने चलो ठीक है, फिर उसके बाद मेरा मन नहीं हो रहा था, बट मैं फिर भी अपना ऐसे पक्का मन करके कि कोई बात नहीं जो होगा देखा जाएगा, तो मैं चंडीगढ़ गई। और चंडीगढ़ में मीन्स नेक्स्ट डे की जैसे फ़्लाइट थी, तो मैं चंडीगढ़ गई अपनी पैकिंग वैकिंग करके। 24 आवर्स नहीं हुए थे, बट मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं ज़्यादा लेट ना कर दूँ तो उसकी वजह से आईडी खुले ही ना, मतलब मेरे को मैं बहुत ज़्यादा घबरा रही थी और मैं रोए जा रही थी मतलब हर एक घंटे में, और मैं सिर्फ सोच रही थी और रो रही थी। तो शिल्पा जी और मुझे समझा रहे थे कि तू टेंशन मतलब आ जाएगा। तो मतलब हो गए थे 12-14 घंटे हो गए थे कि निकल गए थे जो, तो कुछ भी ऐसे भैया बार बार मुझे फ़ोन करके पूछ रहे थे कि आया मेल, बट कोई भी मेल नहीं आ रहा था मेरे पास। फिर मैं मतलब ऐसे हो गई थी कि मैं बहुत ज़्यादा लेट कर रही हूँ। तो फिर मैंने और लोगों से कनेक्ट किया, तो फिर बात आ गई कि पैसे देकर आईडी हो जाएगी ठीक, मतलब मैं अगर पैसे दूंगी तो मेरा अकाउंट वापस आ जाएगा। तो मेरे को ऐसे हो रहा था कि बस आ जाए चाहे जैसे भी आए, क्योंकि मेरी इतने टाइम की मेहनत थी। तो फिर उसमें मुझे ऐसा हो गया था कि ये जाना नहीं चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। तो फिर दीदी ने बोला तू थोड़ा सब्र कर। फिर साहिल भाई ने भी मुझे समझाया
कि अनु पैसे देने से कोई फ़ायदा नहीं है, आईडी वापस आ जाएगी, तो आप टेंशन मत लो, अब थोड़ा वेट करो, बस वेट करने से ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मैंने उस दिन पूरा एक दिन वेट किया, पूरे 24 आवर्स हो गए। 24 आवर्स होने के बाद फिर मैं और ज़्यादा घबरा गई कि क्या ही होगा क्या ही होगा। फिर पूरा एक दिन वो वेट किया, नेक्स्ट डे मैंने पूरा वेट किया, मैं बार बार सोच रही थी कि मैं पैसे दूँ, पर शिल्पा दी सैलवा ने मुझे बहुत रोका कि तू रुक, तू पैसे मत दे, अकाउंट वापस आ जाएगा। फिर मैंने पूरे दो दिन, हाँ पहले वो 24 आवर्स वेट किया, फिर एक और दिन निकल गया था, मतलब मेरा वहाँ बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। फिर मैं वहाँ पे कंटिन्यू रो रही थी, बस मुझे शिल्पा दी और दीदी और ने बहुत ज़्यादा ऐसे तसल्ली दिलाई कि आ जाएगा। फिर पूरे दो दिन मतलब ऊपर ही हो गया था, तीन दिन ही मान लो, पूरे तीन दिन बाद मेरी पूरी आईडी वापस आई थी। और जब भी मेरी आईडी, मेरे पास मेल आ गया था, और जब भी मेरे पास आईडी आई गाइज मेरे को ऐसे हो गया था ना कि मतलब क्या, अब क्या ही करूँगी मैं, वैसे वाला सीन। और बहुत 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 ज़्यादा वैसे डिप्रेस्ड हो गई थी एकदम के क्या ही हो गया मेरे साथ, क्योंकि इतने टाइम की मेहनत, मुझे नहीं पता जिसने भी ये किया और उनको मुझसे क्या प्रॉब्लम थी क्या नहीं। मैं तो किसी के साथ ऐसे हूँ भी नहीं कि हाँ इसके साथ ऐसे दुश्मनी है, ऐसे कुछ भी नहीं है। फिर भी पता नहीं किसने मेरी आईडी में इतने ज़्यादा छेड़ पंगे किए। और मतलब फाइनली आ गई थी, भगवान से मैंने बहुत ज़्यादा प्रे की, और बहुत ज़्यादा ऐसे बोलते हैं कि ये हो जाएगा तो मैं वो करूँगी, मैंने बहुत ज़्यादा बहुत 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 ज़्यादा प्रे की। मेरी मम्मी दो तीन दिन तक पूरा ऐसे डिप्रेस थी, मैं पूरा ऐसे डिप्रेस थी, मतलब मेरी फैमिली मेरे लिए ऐसे हो गई थी कि क्या हो गया, मतलब मेरी फैमिली पूरी परेशान थी, मम्मी पापा पूरी, जब भी मैं फ़ोन करी थी मम्मी से बात करी थी तो मैं रो रही थी, तो साथ साथ मम्मी भी रो रही थी, मतलब बहुत तीन दिन तक बहुत ज़्यादा फैमिली एकदम बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई थी। सब लोग परेशान थे, सब लोग मेरी मतलब पूरी मेरी मासी वासी सब लोग परेशान थे, सब लोग को ऐसा हो गया था कि उसने काफ़ी मेहनत की है तो ये सब नहीं होना चाहिए। और मम्मी ने मुझे समझाया कि मम्मी पापा ने मुझे तक साक्षी ने सब ने मुझे अमन ने सब ने मुझे ऐसे सपोर्ट किया कि तू टेंशन मत ले, अगर नहीं भी आई तू तेरे में वो बात है तो वापस से कर लेगी, तो तू टेंशन मत ले, 1 मिलियन तो वापस से कर लेगी, अगर नहीं आई बाकी तो टेंशन मत ले, नहीं वापस बनाएंगे और तू तो वापस से कर लेगी, तो हिम्मत मत हार, तेरे अंदर टैलेंट है ये वो करके मुझे बहुत ऐसे समझाया। हाँ मुझे ऐसे बहुत ज़्यादा समझाया सब ने मुझे बहुत ज़्यादा समझाया कि तू टेंशन मत ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये वो वाला टाइम बहुत ख़राब था। और जो लोग भी ये करते हैं तो एक बार सोच लिया करो कि बंदा इतनी मेहनत कर रहा है तो उसकी फैमिली और वो मतलब उन लोग पे क्या बीतेगी। तो ये सब चीज़ें करने से पहले हमें एक बार शायद सोचना चाहिए, और करके आपको भी कुछ नहीं मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि हाँ मेरी आईडी हैक करने से, मेरी क्या किसी की भी आईडी हैक करने से आपको कुछ मिल जाएगा या आपकी ज़िंदगी पूरी सवर जाएगी, वैसा वाला सीन नहीं होता। तो किसी की इतने टाइम की मेहनत है वो हमें एक झटके में ख़राब नहीं करनी चाहिए। मेरे पीछे मेरी पूरी फैमिली थी और मुझे ऐसे हो गया था कि अगर आईडी नहीं आई वापस तो फिर मैं कैसे क्या ही करूँगी। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं आ रही, फिर मैंने कंटिन्यू किया और मैंने उस दिन व्लॉग भी किया कि उस टाइम पे मैं उसी टाइम पे सोच रही थी कि मैं ये वीडियो मुझे ये वीडियो बनानी चाहिए कि मेरी आईडी हैक हो गई है। मुझे ऐसा लगा कि मुझे नहीं शेयर करनी चाहिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ऐसे थी कि मैं वही चीज़ें सोचे जा रही थी बार बार कि अगर वापस ऐसा हो गया। बट भगवान ऐसा ना करे, बट मुझे एक चीज़ उससे सीखने को मिली कि हमें कभी भी किसी एक चीज़ पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, हमें एक चीज़ पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। और फिर मैं उस टाइम पे ऐसे हो गई थी कि मैंने अपनी आईडी को ही सब कुछ माना हुआ आई थिंक, बट मेरी वो बहुत ज़्यादा गलत फहमी थी। अभी मेरे को है कि मेहनत करते रहो और आपको मेहनत का फल मिलता रहेगा। और वो आईडी वापस आ गई, उसके लिए थैंक यू सो मच। और मैंने जो जो भूला हुआ था फिर मैंने वो किया और मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई, मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा खुश हुई कि मेरी आईडी वापस आ गई है। फिर मेरी मम्मी ने काफ़ी मुझे समझाया कि अभी तुझे वापस से इतनी टेंशन नहीं लेनी, तो अपना काम पे ध्यान दे ये वो। फिर थोड़े टाइम बाद मतलब मुझे 15 दिन लग गए थे उस चक्कर से निकलने में कि मैं वही सोचे जा रही थी कि अगर नहीं आई मतलब ये क्या ही हुआ था मेरे साथ। बिकॉज मेरे को बहुत सारी चीज़ें हैं जो करनी है और वो भी खुद से करनी है, तो फिर मेरे को ऐसा लग रहा था कि सब ख़त्म, वैसा वाला सीन मुझे ऐसा लग रहा था कि अब सब ख़त्म, अभी कुछ नहीं होगा। तो
मेरे लिए बहुत ज़्यादा ऐसे डिप्रेस्ड मैं हो गई थी अपनी आईडी को लेके, बट वापस आई, थैंक यू सो मच, थैंक यू गॉड कि वो मेरी आईडी वापस आई. और जिन लोगों ने सपोर्ट किया, थैंक यू साहिल भैया, थैंक यू शिल्पा दी, उन लोगों ने बहुत मेरे को मेरा साथ दिया मेरी आईडी वापस लाने में. और यस, मेन बात करते हैं कि मेरे फॉलोअर्स क्यों नहीं बढ़ रहे, क्योंकि काफ़ी सारे मतलब काफ़ी 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 सारे लोग मुझे पूछ रहे हैं कि 1.2 मिलियन के बाद आपके फॉलोअर्स क्यों नहीं बढ़ रहे. और मैं भी इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि मैं डेली वीडियोस, डेली एक्टिव हूँ इंस्टा अकाउंट पे, डेली मैं वीडियोस डाल रही हूँ, डेली मैं फ़ोटोज़ डाल रही हूँ. बट काफ़ी लोगों से पूछा तो सब ये बोल रहे हैं कि आईडी हैक होने के बाद आईडी फ्रीज़ हो जाती है, थोड़े टाइम तक वो नहीं चल, मतलब थोड़े टाइम तक अकाउंट नहीं चलता है, फ्रीज़ हो जाती है. तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, ठीक हो जाए. जैसे मेरे 1,263,000 फॉलोअर्स मेरे हो गए थे, मतलब 1.2 मिलियन, जैसे आप लोगों को तो 1.2 मिलियन दिखेगा, बट मेरे फॉलोअर्स होने ही वाले थे 1.3. बट जैसे ही मेरी आईडी हैक हुई, उसके बाद मेरी आईडी डाउन जाती रही, डाउन जाती रही, डाउन जाती रही. जब भी मेरी आईडी हैक हुई थी उस टाइम पे मेरे फॉलोअर्स थे 1,63,000, और उसके बाद जैसे ही मेरी आईडी हैक हुई उसके बाद मेरे कंटिन्यू फॉलोअर्स माइनस हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, और अभी भी माइनस ही हो रहे हैं. और मैं ट्राई कर रही हूँ कि ठीक हो जाए, और माइनस होते होते आप लोग यकीन नहीं करोगे, माइनस होते होते मेरे फॉलोअर्स 1,13,000 हो गए हैं, जो कि नहीं होने चाहिए थे. मैं डेली ऐसे ट्राई कर रही हूँ कि हो जाए, कुछ हो जाए, बट नहीं हो रहा. और मैं डेली आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि मैं डेली रो भी रही हूँ, मेरी मम्मी मुझे समझाती हो जाएगा, ठीक हो जाएगा सिर्फ, क्योंकि मैं डेली वीडियोस डाल रही हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा है, मतलब कंटिन्यू 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 माइनस हो रहा है. अभी मुझे डर भी लग रहा है कि 1.2 मिलियन से 1.1 मिलियन ना रह जाए, तो मैं और ऐसे हो जाऊँगी कि क्या ही हो रहा है मेरे साथ. काफ़ी लोगों से पूछा भी था कि कितना टाइम लगता है आईडी को ठीक होने में, तो सब लोग बोल रहे हैं हो जाएगा, अभी सबके साथ प्रॉब्लम चल भी रही है, और आपकी तो आईडी हैक हुई थी तो शायद आपको ज़्यादा लगे मे बी. तो मैं इस चीज़ को लेकर तसल्ली कर लेती हूँ कि हो जाएगा ठीक, हो जाएगा ठीक, बट नहीं हो रहा है. मैं अच्छे से एक्टिव हूँ अपने इंस्टाग्राम पे, और मेरी मैं इतना ज़्यादा भी बीच में तो ऐसे हो गया था कि नहीं हो रहा, इसलिए मैंने दूसरा अकाउंट बना लिया कि मेरा अगर यहाँ नहीं हो रहा तो दूसरे अकाउंट में बैकअप अकाउंट एक रखती हूँ अपने लिए, कि अगर नहीं भी हुआ तो इस अकाउंट पे मैं ध्यान दूंगी और ये अकाउंट मैं करूंगी. तो अभी मैंने तभी मैंने एक न्यू आईडी भी बनाई है. अगर आप लोगों ने मेरी वो आईडी इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं की तो आप लोग वो कर लेना, मैं यहाँ पे नीचे मेंशन कर दूंगी. तो अभी मैं वेट कर रही हूँ, भगवान जी जल्दी हो जाए. मैं डेली प्रे करती हूँ कि मेरा इंस्टा आईडी ठीक हो जाए, इंस्टा आईडी ठीक हो जाए, क्योंकि कंटिन्यू फॉलोअर्स घट रहे हैं तो उसके लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है. और अगर आप मेहनत करते रहो, डेली वीडियोज़ डालते रहो, तो भी ये सब हो रहा है तो और ज़्यादा बुरा लगता है. जो हर दूसरे दिन ऐसे मैं अकाउंट अपना लेके बैठ जाती हूँ और उसको देख के ऐसे रोने लगती हूँ कि मम्मी घट रहे हैं, मम्मी मेरे फॉलोअर्स घट रहे हैं. साक्षी को बोलती हूँ मेरे फॉलोअर्स घट रहे हैं और ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है. तो मम्मी बोलती हो जाएगा ठीक, तू थोड़ी तसल्ली कर, हो जाएगा ठीक, हो जाएगा. अभी बस मैं भी उसी वेट में हूँ कि ठीक हो जाए, क्योंकि मैं बहुत ऐसे परेशान हो गई और मैं चाहती नहीं कि अभी और घटे, बिकॉज यहाँ तक मैं फॉलोअर्स लेकर आई हूँ उसमें मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत है. ये थी पूरी स्टोरी, इसलिए मेरे फॉलोअर्स डिक्रीज़ हो रहे हैं मेरे अकाउंट हैक की वजह से. और पता नहीं कभी ठीक होगा, भगवान जी जल्दी ठीक कर दो. आप लोग भी प्रे करो कि मेरा अकाउंट ठीक हो जाए. मुझे बताओ कैसे, अगर किसी को कुछ ट्रिक्स पता है कि कैसे इंस्टा आईडी ठीक हो सकती है तो प्लीज़ मुझे बताना कि मेरी आईडी ठीक हो जाए जल्दी. मैं भी प्रे करती हूँ, आप लोग भी प्रे करो. बस ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और कमेंट में बताना वीडियो आपको कैसी लगी. कल मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.